हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है ग्लैम विद मी 2020। और मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। आप लोगों को भी पता ही होगा कि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे अचानक अपने मायके जाना पड़ा और ससुराल भी जाना पड़ा। फिर 2 मंथ के गैप के बाद मैंने बीच में कुछ वीडियोस डाली थी, बट कोशिश ये कर रही थी कि मैं डाल पाऊँ काफ़ी सारी वीडियोस, बट नहीं हो पाया। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को, क्योंकि मेरी वीडियोस के लिए बहुत वेट करना पड़ा होगा। और आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा डिले हो गई, नहीं डाल पाई वीडियोज़ को। और अब मैं फाइनली अपने बैक टू होम आ चुकी हूँ लुधियाना। और अब मैं अपनी वीडियो अपडेट देती रहूँगी डेली, कोशिश यही करूँगी कि डेली दे पाऊँ। और आपको मैं अपडेट दे रही हूँ आज का कि मेरे टीथ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या हुआ। तो 2 मंथ से मेरा टाइटनिंग प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं हो पाया था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, आज ही मैं कॉल करूँगी अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को। अब देखते हैं वो मुझे क्या एडवाइस करते हैं कि कब आना है उनको, कब किस टाइम पे टाइम है उनके पास। और अभी मैं आप लोगों को टीथ अपडेट दे देती हूँ कि मेरे टीथ में क्या क्या चेंजेस फ़िलहाल आए हैं और मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको टीथ में दिखाती हूँ, मैंने बहुत बड़ा पेन जिसको झेला है 2 मंथ तक, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको अंदर साइड में एक इतना सा अल्सर टाइप दिखेगा यहाँ पे, वो मेरा हो रखा है बहुत टाइम पहले से, 2 मंथ हो चुके हैं उसको। क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक वायर है जो कि निकल गई है पीछे से बहुत लंबी, और वो मेरे पीछे बहुत ज्यादा चुभ रही है। और इधर से ये वायर है, ये देखिए, ये भी निकल गई है और ये भी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है, चुभ रही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों गाल पे। उससे वो बहुत ज़्यादा छिलता जा रहा है मेरा अंदर का इनर वाला जो मांस जिसे बोलते हैं वो स्किन, और उसकी वजह से वो अल्सर जैसा हो गया, एक यहाँ दोनों जगह पे। और टीथ में भी मेरे क्या प्रॉब्लम आई है मैं आपको दिखा देती हूँ और चेंजेस क्या क्या आए हैं। पहले तो मेरी टीथ में चेंजेस देख सकते हैं क्या क्या आए हैं। ये इतना सा गया हुआ बचा हुआ है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा है दोनों, बट ये गैप मेरा बहुत कम बचा हुआ है। मे बी अब 1 मंथ के अंदर ये फिल हो जाए, 1 या 2 मंथ के अंदर। आज देखिए, और जो यहाँ एक बैंड लगे होते हैं आपको पता होगा कि ये जैसे बैंड लगे हैं, येलो येलो दिखाई दे रहे होंगे आपको ये, तो ऐसे ही बैंड मेरे यहाँ पे भी लगे हुए थे, इसमें इसमें और इसमें, तो ये निकल चुके हैं तीनों में से। और तब ये क्या हो रहा है, वायर मेरी बाहर आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप ये, और ये ये अलग से है और ये अलग निकल चुके हैं, क्योंकि इनकी जो यहाँ इससे जो ब्रैकेट्स में जो बैंड लगे होते हैं वो निकल चुके हैं। और वो मेरे पास 2 बार मुंह में आए हैं, मुझे पता लग गया था कि ये निकल गए हैं, वो तो अच्छा हुआ कि अंदर नहीं गए, और चले भी जाते तो रबड़ होता है वो, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और वो बार बार मेरी टीथ में ये निकलने के बाद बहुत मतलब इरिटेट कर रहे हैं मुझे। और अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे डेंटिस्ट का मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए और फटाफट मैं ये सब ठीक कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ये नॉर्मली हर किसी को आती हैं, बट ये 2 मंथ तक मुझे ये सब झेलना बहुत मुश्किल हो गया था। और वहाँ के किसी डॉक्टर ने नहीं लिया, एक डॉक्टर से मैंने अपने रबर बैंड लगवाए थे, ये वाले आपको बताया था मैंने, ये वाले, बट उसमें भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और मेरे चार्जेस भी लिए एक्स्ट्रा। बट यही हुआ कि इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। 2 सेकंड बच्चे, और ये डिस्टर्ब करता रहता है, आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही। और
आज मैंने इसकी पोनीटेल भी बनाई है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे गर्ल्स काफ़ी पसंद हैं, बट चलो ये बॉय है तो कोई बात नहीं, मैं इसको गर्ल की तरह भी कभी कभी बना लेती हूँ। और ये देखिए आप मेरे डिप में काफ़ी चेंजेस फील कर रहे होंगे, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को मेरे डिप में क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। और ये देखिए ये भी काफी हद तक फिल हो चुका है। आनी नहीं करो बच्चा। और यही था मेरा आज का व्लॉग। और अब जैसे ही नेक्स्ट में आप लोगों को जैसे ही नेक्स्ट में जैसे ही अपॉइंटमेंट में जाती हूँ नेक्स्ट टिल मैं आप लोगों को उसके बाद मैं फिर से अपडेट दूंगी। कोशिश यही करूँगी कि एक दो दिन में मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, बट ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे ऐसे ही पेन को झेलना पड़ेगा, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी कुछ चेंजेस, काफ़ी कुछ पेन, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस भी रहता है इस सब चीज़ों के साथ। और एक सबसे मेन है कि आप लोगों को मेंटली स्ट्रेस के साथ साथ खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मींस जिसको बोलते काम डाउन रहना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और इसी चीज़ के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। बाय 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 बाय।